जी हाँ, बिहार में कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं जिस पर यकीन कर पाना मुमकिन नहीं होता है। बता दें कि सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर के एक टीचर ने छात्राओं की कुटाई की है। इस पूरी घटना का कोचिंग के शिक्षक ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेढ़ी बाजार पर कोचिंग चलता है उसी का बताया जा रहा है। बता दें कि शिक्षक महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेढ़ी बाजार पर कोचिंग चलाता है जिसका नाम अकरम बतलाया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स कहने को तो इन लड़कियों का शिक्षक है, लेकिन जिस बर्बरता से इन लड़कियों की कुटाई कर रहा है वो किसी बदमाश से कम नहीं लग रहा है। आखिर इस बर्बरता की वजह क्या है? वही जानकारी के मुताबिक यह वीडियो बुधवार का बतलाया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो का पुष्टि एवर न्यूज नहीं करता है, लेकिन जिस तरह लड़कियों को कोचिंग संचालक ने कूट दिया है, इस कोचिंग संचालक पर शिक्षा विभाग कठोर कार्रवाई करना चाहिए। बताया यह भी जा रहा है कि कोचिंग का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। कोचिंग चलाने का जो नियम होता है वह कोचिंग के शिक्षक को पता नहीं है, लेकिन कोचिंग के शिक्षक का हिम्मत तो देखिए, लड़कियों की कुटाई की और उसका खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। इससे यह साबित हो रहा है कि कोचिंग संचालक को किसी से डर नहीं है। कोचिंग संचालक क्लास में बैठे सभी बच्चों के सामने कुटाई करने लगा। शिक्षक का खौफ ऐसा कि कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। हालांकि कोचिंग सेंटर के शिक्षक ने ही लड़कियों की कुटाई के वक्त का किसी बच्चे ने वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कुटाई का यह वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में कई तरह की चर्चा चल रही है। वहीं लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कोचिंग का शिक्षक छात्राओं का कुटाई करते हुए नजर आ रहा है। वहीं संदर्भ में महाराजगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मामला संज्ञान में आया हुआ है, जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं संदर्भ में महाराजगंज थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह से बातचीत किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे ही पुष्टि हो जाएगी उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है।